दोस्तों, जो भी टूरिस्ट यहाँ मनाली घूमने के लिए आते हैं तो एक बार हांगकांग मॉल मार्केट जरूर आते हैं, क्योंकि यह एक व्यापारिक केंद्र भी है जो मनाली के शहरी हिस्सों में स्थित है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की दुकानें हैं जहाँ पे आप कपड़े, स्थानीय हस्तशिल्प उत्पाद, गहने, खाद्य पदार्थ और अन्य चीज़ें खरीद सकते हैं। इस बाज़ार की खासियत उसकी सुंदर वातावरण स्थानीय है, और यदि आप खाने के शौकीन हैं तो आपको यहाँ पर विभिन्न रेस्टोरेंट और कैफे का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपको प्राकृतिक और स्वादिष्ट हिमाचल भोजन का अनुभव करने का अवसर मिलेगा। और यही नहीं, आपको यदि विदेशी खाने का भी शौकीन है तो आप यहाँ पर आकर उसका भी आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पे मॉल मार्केट के बाहर ही एक बस स्टैंड भी है और पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है, जो आपकी सुविधा के लिए बहुत ही उपयोगी है। और यही मॉल मार्केट के पास में ही ये एक अटल चौक है, जहाँ पे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्टैचू है, जिनके पीछे में भारत के तिरंगा लहराते हुए भी आप देख सकते हैं। और इस बाज़ार की गलियों में घूमते समय यदि आपको यहाँ का लोकल जीवन का एक अनुभव लेना है तो आप यहाँ पे आदिवासी वस्त्र और गहनों की बाजारी देख सकते हैं, जो आपको खरीदारी को और रोचक बना देता है। और इस मॉल मार्केट का वातावरण काफ़ी आनंददायक है और ख़रीदारी के शौकीन लोगों के लिए यह एक स्वर्ग है। तो दोस्तों, हमारी तो यहाँ मॉल मार्केट की यात्रा यादगार और मनोहर रही, तो आप भी इस बाज़ार की आनंददायक वातावरण में घूमकर अपनी यात्रा को और ज़्यादा यादगार और ख़ास बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी मनाली के हांगकांग मॉल मार्केट की यात्रा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां मैं आपको ऐसे ही कुछ धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों का यात्रा कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।